हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए सीजी बोर्ड बेसलाइन आकलन टेस्ट कक्षा 12वीं केमिस्ट्री का दोस्तों पेपर लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों आने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको दोस्तों अच्छे से तैयार करके जाना है अपने एग्जाम में। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है K4Fe3N6 में Fe के लिए प्रभावकारी परमाणु संख्या का मान बताइए। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर स्वार्टस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। चौथा नंबर दिया क्वेश्चन फिटिंग अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। फिर इसके बाद पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्किल हैलाइड में से SN1 अभिक्रिया की संभावना किस में अधिक होगी। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है समतल ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। सातवां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है प्रतिबिंब रूप क्या है, स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या होता है जब एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ अभिकृत करते हैं, समीकरण लिखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है CFT के अनुसार अष्टफलकीय संकुल के लिए D कक्षकों के विपाटन का आरेख बनाइए। दसवां क्वेश्चन दिया हुआ है उच्च एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अभिलेय होते हैं क्यों। ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है स्पेक्ट्रम में रासायनिक श्रेणी क्या है, स्पष्ट कीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर BVT के आधार पर NiCO4 की संरचना, स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हैलो एल्केन की अपेक्षा हैलो एरीन में हैलोजन का विस्थापन कठिनाई से होता है क्यों। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है SN अथवा SN2 अभिक्रिया को क्रियाविधि लिखकर स्पष्ट कीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर अथवा में निम्न का सूत्र लिखकर IUPAC नाम लिखिए। एलाइल ब्रोमाइड, दूसरा दिया हुआ है विनाइल क्लोराइड, तीसरा दिया हुआ है बेंजर क्लोराइड। ये दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से तैयार करके जाना है अपने एग्जाम में। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।